हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे उष्मा चैप्टर, जो कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। उसको हम लोग आज जानेंगे डिटेल से, उष्मा क्या होता है, विशिष्ट उष्मा क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सारी चीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ITI से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ हमारे YouTube चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उष्मा क्या होता है। तो इस क्लास के पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, या फिर आपका फिटर ट्रेड थ्योरी हो, इस सारा चीज़ का जो MCQ क्वेश्चन और आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड भी यहाँ पे मैंने जो है थ्योरी क्लास वो ले चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वो सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक निमी मॉक टेस्ट जो आपका आया है उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही है। और आप लोग यदि उसको देख लेते हैं और यहाँ पे आप लोग टेस्ट लगा लेते हैं तो आपको जो आने वाले ट्रेड एग्ज़ाम जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, उष्मा किसको बोलते हैं, आपका हीट जो होता है उसको किसको बोलता है। तो देखिए, उष्मा क्या होता है, ये एक भौतिक कारण है जिसके कारण से हम लोग जो है कोई भी चीज़ में गर्मी फील करते हैं या फिर ठंडा फील करते हैं। तो ये जो है क्यों होता है, तो ये उसके उष्मा के कारण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, उष्मा वह भौतिक कारण है जिससे गर्म तथा ठंडा का अनुभव होता है, ठीक है। उष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जो तापांतर के कारण उच्च ताप जिस वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में प्रवाहित होती है। याद रखिएगा हमेशा, उष्मा जो होती है आपको जो हाई टेम्परेचर बॉडी होता है जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उससे आपका लो टेम्परेचर बॉडी में होगा। यदि इस बॉडी का हमारा 50 डिग्री है और इसका 40 डिग्री है तो इस यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऊपर से नीचे, मतलब हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी में। और ये कब तक फ्लो होगा, तो जब तक कि आपका हीट जो है, टेम्परेचर जो है दोनों में बराबर नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बॉडी हमारा 50 है और ये 40 में है, तो यदि हम यहाँ से हीट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी 50 वाले से 40 की तरफ ये फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि हमारा इधर भी 45 मान लीजिए हो गया, इसमें भी 45 हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा बॉडी यहाँ पे हीट जो है वो फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। मतलब जब तक कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हीट क्या होगा, फ्लो होगा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक कि दोनों वस्तु का समान ताप नहीं हो जाता, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं विशिष्ट उष्मा, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या जाना, उष्मा। उष्मा क्या है, उष्मा यदि आपसे कोई पूछे तो वह भौतिक कारण है जिसके कारण हम किसी भी चीज़ में क्या हो, गर्मी या फिर ठंडा जो है वो फील करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा आपका ऊंचा टेम्परेचर बॉडी से नीचे टेम्परेचर बॉडी में फ्लो होता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो होते रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर जानेंगे विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा किसको कहते हैं, तो देखिए इसके लिए पहले हम लोग कुछ यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे विशिष्ट उष्मा का, उसके बाद मैं इसका डिफिनेशन जो वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो क्या होगा, यदि हम किसी भी चीज़ को हीट करेंगे, उष्मा देना मतलब क्या, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर में वृद्धि होता है, तापमान में बढ़ोतरी होता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें कारण से गर्मी करने के लिए दी गई उष्मा की मात्रा वस्तु के पदार्थ तथा टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसमें आपको यही कहा जा रहा है कि मान लेते हैं यदि हमारा कोई ये बॉडी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे से गर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्म कर रहे हैं मतलब क्या, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब इसका मास मान लेते हैं एम मास का, इसमें पानी था, इसमें भरा हुआ क्या है, पानी भरा हुआ है, और इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यदि कोई एम द्रव्यमान की, यदि माना कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, क्यू कैलोरी उष्मा प्रदान करने से उसमें टेम्परेचर कितना डेल्टा टी जो है वो वृद्धि हो गया, ठीक है। तो आपका जो क्यू है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका मास का और उसका टेम्परेचर में वृद्धि का, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यू क्या होगा, आपका अनुक्रमानुपाती होता है मास के, उसका द्रव्यमान का और उसमें टेम्परेचर में जो वृद्धि हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, क्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया आपका क्या, मास के और उसका टेम्परेचर वृद्धि, ठीक है। तो जब अनुक्रमानुपाती का साइन हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, स्मॉल एस, जिसको बोला जाता है आपका स्मॉल एस, ये क्या आपका एक नियतांक है, ठीक है, जिसका पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जिस किसी भी पदार्थ को हम लोग लेते हैं उसके लिए ये क्या होगा, इसका एस का मान जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। यदि हम लोग पानी की बात करें तो पानी के लिए एस का मान जो आपका स्पेसिफिक
एस को ही आपका क्या बोला जाता है, विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है, ठीक है। एस को ही आपका क्या बोला जाता है, विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। और ये आपका क्या एक कांस्टेंट है, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का 4.1 जूल होता है, ठीक है। तो सब मतलब सबका जो है अलग अलग होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ से एस फाइंड करें, विशिष्ट ऊष्मा फाइंड करें, तो क्या हो जाएगा आपको, विशिष्ट ऊष्मा बराबर इधर क्यू में जो है एम और डेल्टा टी से भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो गया, क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। यदि एम यहाँ पे 1 kg ले लें और डेल्टा टी जो 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्यू बराबर क्या, एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ का क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा जो है किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान, यदि कोई पदार्थ है उसका 1 ग्राम द्रव्यमान को हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको जो हम लोग हीट देंगे उसी को क्या बोला जाएगा, उसका विशिष्ट ऊष्मा बोला जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोला जाएगा। और इसको जो है एस से डिनोट करते हैं, और एस बराबर यदि आपको पूछा जाए फॉर्मूला क्या था, तो क्यू बाई क्या था आपका, एम डेल्टा टी था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एस और ये आपका एस जो है वो क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यदि यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट आपका जो है, अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट का आपका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपका विशिष्ट ऊष्मा जो का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम, वो आपका इसका यदि हम लोग बात करें तो एस बराबर क्या होता है, क्यू बाई एम डेल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू देखिए क्या आपका, क्यू हीट है, हीट को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। कैलोरी इसको बोल सकते हैं हम, सीसी है, कैलोरी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपका क्या मास, मास को ग्राम में, सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, कैलोरी ग्राम, और आपका टेम्परेचर को किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉरी सीजीएस मात्रक हो गया। यदि हम लोग एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक में आपको देखिए हीट को किस में मेजर करते हैं, तो हीट को आपका जो होता है जूल में मेजर किया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसको जूल में मेजर किया जाता है आपका कैलोरी, ठीक है। हीट को आपका जूल में मेजर करेंगे, और आपका केजी ग्राम के जगह क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और आपका टेम्परेचर को सेल्सियस में ही रखेंगे, ठीक है, वो सेम चीज रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, जूल पर आपका केजी सेल्सियस, ठीक है, जूल पर केजी सेल्सियस हो जाएगा आपका यूनिट, ठीक है। तो इसको याद रखना। अभी हम लोग कन्वर्सन की बात करें, यहाँ देखिए 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 4.2 × 10³ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसके बीच में रिलेशन। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसमें चल रहा है, उसमें चल रहा है किसको बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। और ये क्या होता है, पदार्थ का हुआ गुण जिसके कारण उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, उसमें चालकता कहलाता है, ठीक है। पदार्थ का हुआ गुण जिसके कारण उसमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, उसमें चालकता कहलाता है। उसमें चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ के उसमें चालकता भिन्न भिन्न होती है, उसमें चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। तो उसमें चालकता क्या है, उसमें चालकता वह गुण है जिसके कारण पदार्थ से होकर क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। उसमें चालकता के आधार पर जो है वस्तु को 3 भागों में डिवाइड किया गया है आपका, तो चलिए वन बाय वन हम लोग तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका सुचालक, जिसको गुड कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो सुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें उसमें संचरण चालन विधि द्वारा शीघ्र एवं आसानी से हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपका शीघ्र और आसानी से क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, उसे हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। गुड मतलब क्या, अच्छा, कंडक्टर मतलब सुचालक, अच्छा सुचालक मतलब सुचालक, जो जिससे होके क्या होता है, अच्छे से हम लोग इजिली जो है करंट फ्लो हो जाता है, हीट फ्लो हो जाता है, उसको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसकी बात यदि हम लोग करें तो इसका देखिए अनंत चालक की उसमें चालकता जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। आदर्श चालक जो होता है उसका उसमें चालकता अनंत होता है, जिसके कारण से इससे होके इजिली हीट फ्लो हो जाता है। हम लोग यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम एवं पारस, ये सारा चीज क्या आपका गुड कंडक्टर है, ठीक है। याद रखिए सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा घरों में तार बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम का होता है या फिर तांबा का तार होता है, ठीक है। तांबा का तार ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि इससे ये इजिली अवेलेबल भी होता है और ये इसका कॉस्ट भी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेट कंडक्टर, मेट कंडक्टर में इसके जिससे होके जो है इजिली जो है पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे होके उसमें संचरण चालन द्वारा बहुत धीरे धीरे अथवा बहुत कम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत धीरे से फ्लो होगा ही या फिर जिससे जो है बहुत ही कम मात्रा में फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, बेड कंडक्टर, मीन्स अच्छा नहीं, ठीक है, बेड कंडक्टर बोला जाता है। और इसका भी आदर्श हम लोग चालक की उसमें चालकता की बात करें तो ये शून्य होता है, ठीक है, उसमें चालकता क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, कुछ अलग था।
जैसे आपका रबड़ हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीज से जो होता है आपका चाल, यहाँ से क्या होता है हीट जो है वो नहीं फ्लो करता, जिसकी वजह से इसको बेड कंडक्टर भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उष्मा रोधक। उष्मा रोधक मीन्स हीट रेसिस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिससे होके क्या होगा आपको उष्मा शून्य होगा, जिसकी चालकता क्या होगी शून्य हो जाता है, उष्मा का चालन जो बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे होके उष्मा का चालक जो बिल्कुल भी नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे हीट रेसिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। प्रयोग के लिए कोई भी पदार्थ पूर्णतः उष्मा रोधी नहीं होता, फिर भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एल्बोनाइट एवं आपका एस्बेस्टस जो होता है उसको उष्मा रोधी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक है उसको याद रखना है आपको हमेशा, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोला जाता है। ठीक, इसके हिसाब से क्या होता है आपका किसी वस्तु में प्रवाहित उष्मा उसके अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए तथा तापमान के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है आपका हीट जो है किसी भी पदार्थ में फ्लो होगा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का और तापमान के अंतर का, डेल्टा टी जो उसका टेम्परेचर डिफरेंशियल दोनों के समानुपाती होगा और व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके मोटाई के। मतलब यदि ये हमारी कोई बॉडी है इससे होके यहाँ से हमारा हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हीट फ्लो हो रहा है, इधर हीट निकल रहा है, तो इसके बीच पहले जो टेम्परेचर था टी वन, इधर का क्या है टी टू, मतलब इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ टी डेल्टा टी मान लेते हैं टी वन माइनस टी टू, ठीक है, ये क्या होगा तो इसमें जो हीट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली उसमें एरिया के किस एरिया के एरिया के फ्लो हो रहा है और इसका मोटाई कौन सा है ये आपका डी हो गया, इसका मोटाई जो डी है उसका क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। सिंपल आपको समझ में आया होगा, तो चलिए आप आगे इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, इसको जब हम लोग बताएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आपका आता है के, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट के आ जाएगा जिसको के को क्या बोलते हैं एक नियतांक है जिसका उसमें चालकता गुणांक कहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है आपको उसमें चालकता गुणांक बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग जिसको के को क्या बोलते हैं उसमें चालकता गुणांक बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टर या आपके कंडक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडक्शन संवहन आपका जिसको बोला जाता है इससे इसका आपका क्या है आपका कॉन्स्टेंट इसी के को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोग चाहते हैं किसी अदर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज जरूर कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।